friendship that'll never ever end. वेलकम टू नाशिक चा बाबू मौशा चैनल। मैं तापोश आज आपको मैगी बनाना सिखाऊंगा। आप सोच रहे होंगे ये क्या मैगी बनाना है, दो मिनट का काम है, उसके लिए वीडियो क्यों बनाए। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, हम बनाएंगे मैगी विद पास्ता। अब आप सोच रहे होंगे मैगी पास्ता, पास्ता बॉईल करो, मैगी बॉईल करो, मसाला डालो, हो गया। इसमें भी ट्विस्ट है, हम बनाने जा रहे हैं अंडा मैगी विद पास्ता। उसमें हम ऐड करेंगे बंगाली टच काशुंदो। काशुंदो क्या होता है? मस्टर्ड सीड का पेस्ट विद सरसों का तेल। ये कोलकाता का स्पेशलिटी है, कोलकाता के जितने भी लोग हैं बंगाली लोग, इन्हें पता है ये काशुंदो क्या है और ये टेस्ट बूस्टर है। तो नॉर्मल मैगी होता है मसाला डालो, बॉईल करो, सब्जियां काटो, उसमें ऐड करो, मैगी बन जाती है। पास्ता में व्हाइट सॉस, रेड सॉस, चीज डालो, ऑलिव डालो, हो गया पास्ता। बट हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम मैगी पास्ता अंडा उसमें थोड़ी सी सब्जियां काशुंदो, ये बंगाली टच देके हम अंडा मैगी पास्ता बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं, इसका प्रोसीजर आपको मैं बताता हूं। मैगी पास्ता बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेंगे पास्ता, मैगी जो हमने पहले से बॉईल करके रखा है, ग्रीन चिली ककड़ी के कटा हुआ, आलू कटा हुआ, पत्ता गोभी कटा हुआ, काशुंदो, ये होता है मस्टर्ड का पेस्ट जो टिपिकल कोलकाता बंगाली लोग यूज करते हैं, आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, कटा हुआ टोमेटो, दो अंडे, मैगी मसाला मैजी पेरी पेरी मसाला, और जो मैगी के साथ मसाला आता है उसका पैकेट। तो हमने तेल कढ़ाई में डाल दिया है, अभी हम पहले आलू फ्राई कर लेंगे। कटा हुआ आलू हम तेल में डाल देंगे, तो हमारा आलू फ्राई हो चुका है, अभी हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ऑयल ले लिया है, गरम करेंगे और इसमें अंडा फ्राई कर लेंगे, भुर्जी जैसा बना लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारा अंडा उर्जी बन चुका है, अभी इसको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हम ग्रीन चिली ऑयल में डाल देंगे, साथ में डालेंगे टोमेटो और पत्ता गोभी कटा हुआ, हम इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे, ओवर फ्राई भी नहीं करेंगे, थोड़ा कच्चा कच्चा रखेंगे। डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अभी हम जो फ्राई किया हुआ आलू और अंडा है वो इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर और इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे। अभी हम बॉईल किया हुआ पास्ता और मैगी इस मसाले में डाल देंगे। काशुंदो जो मस्टर्ड सीड का पेस्ट है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये पेरी पेरी मसाला,
मैगी मसाला, और मैगी के साथ जो आता है मसाला वो डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें कटा हुआ काकड़ी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये तैयार हो गया है मैगी पास्ता विद अंडा, वो भी बंगाली टच। কেমন আছে টেস্ট? ভালোই হয়েছে। বাঙালি স্টাইল। ঠিক। जैसे कि आपने देखा प्रोसीजर कैसे बनाते मैगी पास्ता विथ अंडा विथ बंगाली टच। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप ये बना के खा के देखिए कैसे बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever